तो ऐसे कोई हमारे को सपोर्ट करे, उंगली आगे बढ़ाए, तो हम शायद उंगली पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ अगर हेल्प होगी आपसे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे किन्नरों के लिए आप कुछ करें। उसके पास सब कुछ रह गया, अभी उसको यानी कुछ बहुत प्रॉब्लम है घर में, सब कुछ रह के भी यानी भाई लोग उसको इग्नोर करते, तो यानी ऐसा कुछ करें हम लोग के लिए क्या, उस हर किसी को उसका हक मिले, हमारे लिए इतना सब हमारे लिए कर लेंगे तो बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी हम लोग के लिए। हेलो नमस्ते, सत श्रीकाल, आदाब, वणक्कम, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कल 25 दिसंबर था, जैसा कि आपने देखा कि मैंने क्रिसमस इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, छोटा सा कुछ तो क्रिसमस के लिए अपन पार्टी कर रहे थे। आज एक इवेंट के लिए आया हूँ, क्लीनिंग डेज के लिए ये इवेंट था, तो डस्टबिन सबको बांटा गया है। रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं दोस्त के साथ आया था। आज मेरे साथ है राजू भाई। अभी आज दो इवेंट है, ये क्लीनिंग डेज का इवेंट होने के बाद जाना जोगेश्वरी, अभी निकल रहे जोगेश्वरी के लिए, लेकिन राजू भाई को थोड़ा सा आईडी ड्रॉप करते हैं, देन आगे। स्वच्छता के ऊपर अगर कोई ऐसे इवेंट करता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है, और डस्टबिन बांटना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसके साथ एक अच्छा मैसेज देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है, तो अच्छा लगा। तो ये है राजू भाई, जा रहे हैं, बाय। एंड क्या बोलते हैं, बाद में मिलेंगे हम लोग, और एक ब्लॉग करेंगे पक्का। और सुजीत भाई, ऑल द बेस्ट, आप अभी गोरेगांव जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहो। यस, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, चलो बाय, टेक केयर। अपने गाड़ी का टायर थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है, तो हर टाइम मुझे हवा बनाना पड़ता है, फिर निकलना पड़ता है। जल्दी अपन टायर चेंज करेंगे, और मैं यहाँ पे ना चाय पीता हूँ हमेशा, बागल में और मयूर यहाँ पे चाय पीने आता है, ये बहुत क्यूट बंदा है, और ये अपना दोस्त है, ओके। तो इसको यूट्यूब पे आने का था, तो उद्याच्या ब्लॉगमध्ये बघा, तू येणार, तू पण येणार, नाव काय तुझं, शेखर, सबस्क्राईब करायचा, मगच घेणार, सबस्क्राईब दिसला नाही तर मग नाही घेणार, केलं गेलं, ओके चल। सो राजू भाई को बाय बोलने के बाद अपन निकल रहे अभी जोगेश्वरी। राजू भाई बहुत सही है, राजू भाई का अगर मैं इंट्रोडक्शन बताऊँ तो EW नेटवर्क ये न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, जो न्यूज़ चैनल है वो न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं नई मुंबई से रिलेटेड, जितने भी न्यूज़ रहते हैं तो वो उस चैनल पर डालते हैं। तो मेरा दोस्त जो गंगा सिंह है, काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा, कॉलेज फ्रेंड है, वो और राजू भाई दोनों ये चैनल चलाते हैं, बहुत स्वीट बंद है। अभी मैं 10 सालों के बाद न्यूज़ रिपोर्टिंग लाइन में फिर से आ रहा हूँ। यस, मैं थोड़ा सा रिपोर्टिंग करना चाहता था, मीडिया से थोड़ा सा फिर से जुड़ना चाहता था, तो 10 साल के बाद फिर से अपन आ गए रिपोर्टिंग लाइन पे। मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली मैं रिपोर्टिंग करता था पहले, 10 साल पहले, और क्यों मैंने छोड़ा वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी अपन चलते हैं जोगेश्वरी, जोगेश्वरी जाने के बाद मैं बताता हूँ कि क्यों मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि अपने दोस्त लोग वहाँ पर वेट करें, और मेरे को अभी कॉल आ रहा है, मैं गाड़ी रुकाता हूँ और कॉल लेता हूँ, एक सेकेंड रुकना। सो विक्रोली फ्लाईओवर, यहाँ से कांजूर मार्ग, फिर पवई होते हुए अपने को जाने का जोगेश्वरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ से, जल्दी पहुँचना था लेकिन पहुँचने वाले अपन लेट, कोई नहीं, जाएंगे जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी जाएंगे। आप कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हो कचरा डालते हुए। काफ़ी देर से मैं वो गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा था, उनके विंडो से कुछ ना कुछ आ ही रहा था, शायद मटर छिल रहे हैं, और मटर छिलते छिलते वो लोग वो मटर का सब नीचे डाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। आप कार में हो, आप पढ़े लिखे हो, और आपको अगर ये चीज़ करने की ज़रूरत होती है तो आप देख समझ सकते हो कि कैसा करना चाहिए। तो अपने को दिया था यहाँ का लोकेशन, पब्लिक आने तक टाइम लगेगा, अपन चाय पीते हैं। आ भाऊ चाय। तो यहाँ पे अपन चाय पियेंगे, मस्त कटिंग, एक कटिंग चाय पिला दो, अगर स्पेशल रहेगा तो स्पेशल दे दो, स्पेशल है। अच्छा ठीक है, चलो बना दो। मेरी क्रिसमस आपको भी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सुबह मैं एक स्वच्छता अभियान से जुड़ा था, वहाँ पे डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो सुबह मैं एक इवेंट पे था, और अभी एक इवेंट पे आया हूँ। आरओ फाउंडेशन का पूरा टीम है यहाँ पे, तलीन मैम, सिबू सर जो अभी कैमरामैन बने यहाँ पे, नया और उनका बेटा, और यहाँ पे एक टीम है बहुत इंटरेस्टिंग है, इनसे मिला था। ये है, हाय मैं हया किन्नर, मैं माहिरा, हाय माही, बोलो कुमकुम, सानिया, हाय परी, हाय सोनिया, टिम्पल, ज़ैबा,
सो ये इंटरेस्टिंग फैमिली है यहाँ पे, और कुछ इनकी रिक्वायरमेंट थी तो सोचा कि चलो इनसी रिक्वायरमेंट पूछ ले। तो बोले क्या देना चाहिए उनको, तो मैं बोला उनको ठंडी के ब्लैंकेट और राशन देगी तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना हमारे लिए कष्ट उठाया, अच्छा लगा हमें। थैंक यू, अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं, आलिया शेख, ट्रांसजेंडर किन्नर। मैं हमारी जोगेश्वरी ईद से, हमारी इतनी किन्नर है, आप लोगों ने राशन दिया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उनको बहुत अच्छा लगा। मैं इसलिए आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमारे किन्नर जो भी है, हमारी कुमकुम डांसर है, क्लासिकल डांसर, तो मतलब ये स्कूल खोलना चाहते हैं, मतलब सिखाने के लिए। मैं मेहंदी और मेकअप सीख रही हूँ, सीख के मुझे भी कुछ आगे करना है, बढ़ना है। ये हमारी जावेद जायदा, हमारी ये जैसे इनको ब्यूटिशन सीखना है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको कि ऐसी कुछ हेल्प होगी हमारे किन्नरों के लिए, हमको आगे बढ़ना है। सरकार ने तो कुछ किया नहीं हमारे लिए, तो ये चीज़ हमारे को करना है, आगे बढ़ना है। तो ऐसे कोई हमारे को सपोर्ट करे, उंगली आगे बढ़ाए, तो हम शायद उंगली पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ अगर हेल्प होगी आपसे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे किन्नरों के लिए आप कुछ करें। और मैं कुछ बोलना चाहती थी, एक्चुअली जो हमारे को प्रूफ का मंगा जाता है, जैसे कुछ काम के लिए आज की तारीख में प्रूफ बहुत ज़रूरी होता है कि भाई तुम्हारा प्रूफ लेके आओ तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो पे। कुछ फैमिली ऐसी होती है जो हमको प्रूफ देने से इनकार करती है, जैसे माँ हमारी एक्सेप्ट कर सकती है, पर जो भाई भाभी लोग होते हैं वो लोग बोलेंगे शायद प्रॉपर्टी से लोग हिस्सा मिल जाएगा, इनको क्या प्रूफ देने का क्या नहीं देने का। जैसे हमारी सानिया है, उसके पास सब कुछ रह के अभी उसको यानी कुछ बहुत प्रॉब्लम है घर में, सब कुछ रह के भी यानी भाई लोग उसको इग्नोर करते, तो यानी ऐसा कुछ करें हम लोग के लिए क्या, उस हर किसी को उसका हक मिले। तो मैं सरकार से क्या प्लीज़ प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमारे लिए खड़े रहे, मेडिकल के लिए कोई और मैं चाहती नहीं कि सारा किन्नर समाज एक ही सारा चलते रहे, उनको भी कहीं और आगे बढ़ा, और आगे बढ़े तो हमारा भी नाम हो, हम भी चाहे, हमको कहीं इज्जत नहीं मिलती है, 100 में 10 लोग इज्जत कर, जैसे आप लोग आके हमारी रिस्पेक्ट करें। कोई गंदी निगाह से देखता है तो कोई झिड़की देख के भगाता है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए इतना करो, चाहते कि आप थोड़ा सा और हमारे लिए कर दो, हमको थोड़ी जो जरूरत है। दीदी ने मुझे कहा था या कॉस्मेटिक का सामान, तो मैं बोली वो तो हम दीदी उनके लिए ठंडी ब्लैंकेट, जो अपने घर पे ब्लैंकेट उस ब्लैंकेट में लेके राशन मिल जाएगा तो उसका बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच। तो देखो भाई साहब, अपन आए थे जोगेश्वरी, तो अपना वो इवेंट हो गया आरओ फाउंडेशन के साथ, और जैसे ही मैं वेस्टर्न लाइन आता हूँ तो मैं सबसे पहले कॉल करता हूँ जो को, और जो मिल गई अपने को, और अभी जो और नीरज सर मेरे को लेके जा रहे हैं गोरेगांव क्लब, तो अपन जाएंगे अभी गोरेगांव क्लब, देखते हैं और मज़ा आएगा, लेट्स गो। सो अभी आए हम लोग गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, राइट प्लाजा, बहुत सारी वराइटीज़ है। अभी मैंने मंगाया क्या, समोसा चाट, और सर ने क्या मंगाया, पोहा। मैंने मंगाया पोहा, सर ने मंगाया पोहा, और जो गई है चाय का ऑर्डर देने के लिए, जब सब जब आएगा तब बता दो क्या क्या हम लोगों ने ऑर्डर किया। ठीक है, ये गुआवा आइस टी विद रेड वाइन, बोलो नहीं अभी ये बोलो कि तुम जो चाय पी रहे हो वो किसकी फ्लेवर है। लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्लेवर कॉफी पी रहा हूँ, और ये फ्लेवर है विस्की फ्लेवर, तो फ्लेवर है सर, तो वही इधर दिखा फ्लेवर है। ये ऐसे तो रिकॉर्डिंग में जल चुका है। कैसे है फ्लेवर, ओरिजिनल है ओरिजिनल फ्लेवर। और सर ने मंगाया पोहा और अदरक वाली चाय, सर एकदम आराम से निकल गए सेफ। हम लोग ने सिर्फ रेड वाइन और ये विस्की फ्लेवर कॉफी, और मैंने मंगाया छोले समोसे चाट। कैसा गुड वन। विस्की फ्लेवर कॉफ़ी ले आया था लेकिन रिटर्न करना पड़ा, अभी चुपचाप अपने लोकल चाय पे आ गए, मसाला चाय। बोला चलिए अच्छा था, जो खाने का ही रहता है ना ये खा भी। या, वेपर कर रहे हैं, हार्ड वेपर कर रहे थे। हाँ, हार्ड वो चाय यहाँ नहीं मिलेगी, तो शिवाजी पार्क में मिलेगा।
होती है, स्टॉल लगाया बकायदा उसमें। सही है, अभी चलने की बारी, थोड़ी देर में निकल जाए। बाय ब्लॉग एंड यहाँ पे हमेशा अपना एक डायलॉग रहता है ना, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और यस माय डोनर। कौन सा गाड़ी?